कांड की यात्रा आप सब मिलजुल के करना है ना। सबसे पहली हम येला जानना चाहबो कि हकीकत में लंका एमन पहुंचीन कैसे, बेंद्रा मन है और भगवान राम पहुंचीन कैसे। सेत बांध रामेश्वर के बंधना बड़ा विचित्र है, अभी भी बताते रामेश्वर में अभी भी है, ऐसे कहीं बताते भाई हम तो गए नहीं है। तुमन तो जानत हो न दीदी हो, तुमन जानत हो नहीं गे रहे हो नहीं वो रामेश्वर। हाँ वो गे रही दीदी मन, हाँ वो मन जाना थे, भैया मन गे हुई तो मन जाना थे। अभी तक के वहाँ पथरा पानी मुफले छेक थे, हम नहीं देखे भाई, ईमान से गो किन हम नहीं जाना। वो कहे तेरा कहा था, और यहूँ प्रत्यक्ष प्रमाण है मानस में रामेश्वर बांध जब बंधाई से ना हो 400 को जोजन जब बंधाई समुद्र ला बांधिस भगवान है, तब पथराम नाम ला लिखे और पथरा ला ऐसे फेंके तहनो मन उफल जाए कथे। तहू मन ला मैं आइडिया दे तू बढ़िया, तहू मन हा अतका जान जान पथरा में राम के नाम ला लिखिया और तुम्हार गांव तहरिया में फेंकू, उफल से नहीं उफले समझ में आ जाए, उफल ही नहीं दाई एक नोनी मन उफल जाए कहा से ना, वो पथरा उफल जाए नहीं। काली ट्राई करू, आज रामायण ला बने सुन ले लाओ तहन काली पर प्रैक्टिस करियो, अतका जान जान पथरा में ना ऐसे नाम ला लिखो राम ऐसे लिखो ऐसे फेंकू, बोलना नहीं चाहिए भाई ध्यान रहे। हाँ देखो नाम प्रताप से अरे पीला तरह जल पीजी, भगवान के नाम के प्रताप से पथरा घलो दौड़ गए है नहीं। भगवान के नाम ला लिखे में मात्र नाम के प्रभाव है, इमे नाम के प्रभाव है। भगवान ऐसने सोचे बर लगी सब बेंद्रा मन हम मोरे नाम ला लिख के समुद्र में फेंकते थे उफल जाते, ऐसे कि कोनो नहीं देखा थे, ऐसे कि के अपने नाम ला ऐसने लिखिस और ऐसने समुद्र फेंक दिस। ओला देखत रहा है हनुमान जी महाराज देखत नहीं ओकर नजर पर गए हनुमान जी के ऊपर भगवान राम के, अब वो पथरा रहे दिन बुड़ गए, तब कहते भगवान अरे देखो नो पथरा देखो पथरा लैसे बुड़ो देवे, जे पथरा हा ते बुड़ो देवे ते कहा बाछी महाराज की, बोल कंसे राम चंद्र की ये तो नाम के प्रताप है जे पथरा उफलते है की, ये स्वयं ते हा अगर पथरा ते समुद्र में बोरबे तो वो बुड़ना छी महाराज की। भगवान कहते वाह हनुमान ते देख डरे, मैं तो नहीं देखे हो ही कहात रहे हो ऐसे की। हाँ नारद जान्यो अरे नाम प्रताप, नारद ऋषि महाराज जानित नाम के प्रभाव ला। हाँ देवर्षि नारद एक समय के बाद है ओकर प्रभाव ला देख, नाम के प्रभाव ला। तीन लोग 14 भुवन में भगवान के नारद, तीन लोग 14 भुवन के घुमैया है, मोर सबले भगत कौन है ज्यादा ऐसे की, सबले बड़े भगत कौन है कि धरती में कथे, वहां तोर का भगत रही महाराज, वहां कोई भगत नहीं है, मोर ले बड़े भगत है कि नहीं है कि। नारद कथे मोर ले बड़े भगत नहीं है ये धरती में कथे, ऐसे देख नाम के प्रताप बताए बर जाते बोला, लेकिन ओकर मन में अहंकार आ गए, काबर में सबले ज्यादा नाम ला जब तो भगवान के तेकर से थी मोर में ज्यादा प्रभाव है ऐसे समझित नारद है। लेकिन नारद जा नहीं अरे नाम प्रभाव, तब कथे एक काम कर, ये धरती में मोर कौन कौन अच्छा भक्ति करते तेला ते पता लगा का की, लेकिन एक ठन शर्त है की, का शर्त है, ये हथेरी में दियल मरा ले टिप टिप ले तेल ला भर दे बड़े जान बाती लगा दे और मैं जला दे, ये तेल हा तोर हथेरी में को गुंजन गिरे और तीन लोग 14 भुवन ला घूम के आ मोर भगत कौन कौन है तेल मोर बतावे की, ये का बड़ा भारी बात है महाराज की। देवर्षि नारद कहते ये का बड़ा भारी बात है कि
अच्छा ले कोई बात नहीं, ले जाके अब सुंदर ऐसे माचिस में जला दिया ना, टिप्पी में तेल भरे है। तब देवर्षि नारद तीन लोग 14 भुवन ला घूमा थे, लेकिन राम के नाम ला एको बार नहीं ली। काबर ओकर जीव गे रहे दिया तेल हम और हथेरी झन गवाए, दिया तेल हा हथेरी झन गवाए ना, दिया बुताए झन, ये दिया बुता जाई तबो गलत हो जाई और तेल गिर जाई हथेरी तबो गलत हो जाई। तीन लोग 14 भुवन ला घूम डरी, घूमे के बाद भगवान श्री हरि नारायण जी के पास चल दी। भगवान की जय हो वो तो दिया जस के तस है हमारा, देख ले एको बूंद मोर हथेरी में तेल हनी गिरे है, ए दिमाढ़े देख ले। हाँ बढ़िया है नारद। अच्छा मोला ये बता धरती में कौन कौन मोर भगत है तेल ला बता। अरे ओकर तो मैं पता च नहीं पाऊंगी, काबर ओकर पता च नहीं पाऊं, मैं तोर नामे भूला गयो की काबर ये दियक तेल में चल दिस मोर बुद्धि हर, ये दियक तेल ला देखत देखत तोर नाम ला भूला गयो और के जन भगत है तेल पूछे रे तहुल भूला गयो की। तब कहते देख नारद यही तोर अहंकार है जीवन के, अब यही अहंकार ना कौन करिस रावण करिस, नाम के प्रभाव नहीं जानिस। अरे यार नाम के प्रभाव जो ताड़कल मारित से मामूली आदमी होही, जे बालिन मारित से कैसे मामूली आदमी होही, है सुरूपनाखा नाक ला काटित से कैसे मामूली आदमी होही, है सोच के देख भला। लेकिन जाने जरूर रावण है लेकिन माने नहीं, अरे जानत है सो मानत नहीं, अरे ये जानत जरूर है लेकिन माने पर तैयार नहीं है। काबर अभिमानी हो अहंकारी हो रावण है, हाँ देखा से ती माने पर तैयार नहीं हो। सब जन कहा है ये पुलियाल बांधा थी महाराज, ये पुलिया ले वो मन का बांधन सखी रे पुलिया ले, यह 400 कोस के लंबा है तेला कैसे बांध दी हुआ, विश्वास नहीं है। अरे बिने विश्वास भगति नहीं होई, अब बेदरा मतलब विश्वास नहीं से भगवान के नाम में देकर देती नाम न लिखे धरपत्र मनु फल जाए, लेकिन रावण ला विश्वास नहीं रही से। रावण ला जब विश्वास नहीं हुई ना तब दूत मनाक बताए महाराज आधा पुलिया बंधा गे महाराज, आधा समुद्र बंधा गे महाराज, हट रे कैसे बांध दी वैसा हो ही नहीं सके, आधा बांध दी बांध दी तो पूरा नहीं बांध सके। फिर बिहान दिन जाती वो तो आधा ज्यादा बांध डरित महाराज, अरे नहीं बांध सके ना यार अतक पर समुद्र कैसे बांध दी, ऊपर मनकर वैसा हथियारे नहीं है, है? फिर ध्यान दिन की वो मत तो हमार तीर में आ गए महाराज बांधत बांधत, अरे ऐसा हो ही नहीं सके। वो इसने कहा पूरा बांधा गए, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, अब पूरा बांधा गए, अब पूरा बांधा गए। तब कथे अरे अब तक जान समुद्र ल बांधरित, एक जनदूत आग बताते वो पूरा पूरा बांधा गए महाराज, पूरा पूरा बांधा गए, पूरा पूरा बांधा गए कैसे रे, ईमान से गौ किन महाराज पूरा पूरा बांडर इसकी। हाँ तब रावण कथे अपन दसों मुख से की, अरे बाधो भन निधि नीर निधि, अरे जलधि से दुबारी से सत्य तो निधि कम पति, अरुधधि पयो दिगंभीर। जे दिन के ऋषि रावण जब दसों मुख से बोले के क्षमता जे दिन बना ली ओ दिन रावण ला मरना तय है, बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। राम तो यही चाहत रिस ना कि वाजिम में मोर प्रभाव ला रावण घलो जाने, मोर प्रभाव ला ए नाम के प्रभाव ला रावण जाने ऐसे की के, लेकिन वो माने नहीं, जाने जरूर हुआ, हाँ जाने जरूर। एक घास रूप नका इसने नाक कटी तो वहां गिस कहा अपन भाई दरबार में, हाँ सभा मांझी पर व्याकुल सभी प्रकार कर रोई, अरे तोर जियत दस कंधर कि मोर की असी गाती कोई। रोत 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 रूप नखा होकर महल में चल दिस, कहते भैया भैया का हो गए बहनी, देख मोर नाकला तर 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 धार बहुत है पहाड़ बरोबर सुरूपनखा, पहाड़ के समान सुरूपनखा, धर 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 पहाड़ ले कैसे पानी गिरते कैसे होकर फूल हदीरत है। कहते का हो गए बहनी ये नाक कान ला काट दी, हाँ
तब वो मना जेकर नाक ला काटी ते नागपुर हो गए, कान ला काटी ते कानपुर हो गए। बोल लखन सिंह रामचंद्र की जय। ये दोनों शहर ओकरे नाम से बसे। तब तो लिखित गोसाई जी महाराज है बाधो बन निधि माने दर्श नंदिया नाम है। ये नाम हा नोनी हो तू मना पढ़थो नी पढ़ा थो ना तो तू मन जाना थो है नी दर्श नंदिया नाम ला जानतो नी इमे लिखा है रामायण में। बाधो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी असत्य तो ये निधि कंपति और उदधि पयोधि नदी। ये दर्शन नदिया भैया, ये दर्शन नदिया है अतक बड़बड़ नदिया है। एक ठन समुद्र में आक मिले है और सौ जोजन मने 400 कोस के समुद्र ला ये मन बांडरी ऐसे की कोकर दस ठन मुंह बोली। यही बात है, यही बात ला दस ठन में बोली। तब कथे रामा दल के दूत मन है अब रावण मर ही नहीं बाचे रे। जे दिन 10 रूप से रावण बोली कि इतनी दिन रावण मर ही की साव। ये प्रसंग लाओ फरियाबू बढ़िया एक ठन छोट कुन भजन के। लखने सियरा मे चंद्र की जय। La 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 la
लखनी सिया रानी चंद्र की जय। रावण जब सुनिस ना दुनिया में सबले पहली बात तो लंका कोट ल सुथन ना तो लंका काला कथे जानथो ए शरीर है लंका है अब यही शरीर है अयोध्या है ए शरीर है अयोध्या है यही शरीर है लंका है अगर सत्य के रास्ता में चलबो तो यही अयोध्या बन जाते और अनीति के रास्ता में अगर चलबो अधर्म के रास्ता में चलबो तो यही शरीर है लंका बन जाते वो लखन से राम की जय। अब यही लंका में ए मन रूपी रावण बैठे है वो दीदी हो तुहर लंका में बैठे नहीं रावण है तुहर हृदय में तुहर में नहीं बैठे हाँ काबर जब लंका बन जाए तब बैठी अभी अयोध्या है काबर ये पावन अयोध्या अयोध्या ग्राम अवध ग्राम ये बुड़ेना में आप सब अभी सत्य के रास्ता में चलते हैं हाँ तेकर सती सत्य के रास्ता में जाने वाला ला राम प्राप्त होते हृदय में और अनीति में चलने वाला अज्ञानता के रास्ता में चलने वाला अहंकार में चलने वाला यही शरीर है लंका बन जाते तो मन रूपी रावण बन जाते ही है अभी रावण है काम क्रोध लोभ मद और प्रबल मोह के धारी तीन अति दर दारुण दुखदार और माया रूपी नारी। और जब जीवन में अहंकार आ जाते ना भैया तब ये तीन ठन चीज और एक ठन औ मने छठ विकार कह दे काम क्रोध मोह लोभ और मोह ये अहंकार ये अहंकार के प्रति के जीवन में जब काम के पूर्ति नहीं हुए काम काए काम काला कथे तो यही प्यासी कुआं हाँ पानी है लेकिन प्यास नहीं बुताते ये काम के कामे कामना के कामे प्यासी कुआं के बरोबर है कुआं में पानी भरे है लेकिन कतको पियथन हमर प्यास बुझावत नहीं ये काम के काम। और जब काम के मन काम मन इच्छा और इच्छा के पूर्ति जब नहीं हुए ना तो यही इच्छा के पूर्ति नहीं हुए तब लोग ला क्रोध आते थोड़ा ध्यान रखे रहो क्रोध आते कौन ला मारो कौन ला मार डरो फांसी रो लो जहर पी लो यह हदिया तक उतर जाते भाई हाँ क्रोध क्रोध अग्नि से कोई कम नहीं है हाँ क्रोध अग्नि भैया कथे ना क्रोध जला देते हाँ अरे कहन पावक जारी सके अरे कान समुद्र समाई कान करे अबला प्रबल
अरती जग काल खाई। ये हरे क्रो अग्नि जला देते सबला, हाँ कहीं नहीं बचाए भैया। अहंकार नहीं रहती बेंद्रा पूछी मागी नहीं लगाती ते लंका जलती इसका, सोच के देखो भला है। बोला अत्या क्रोध हो गए मोर बेटर मारे रे, मोर बेटर मारे तो तहुल मारी हूं मैं। हाँ एकर पूछी ज्यादा है कभी के ममता पूछ पर कही सबई समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनिया पावक देहू लगाई। ये क्रोध है, क्रोध अग्नि से कोनो काम नहीं है मोर संगवारी हो। हाँ लोग जब क्रोध में जलत रहते ना तो लोग ला लोभ आते, और जब लोभ आते ना तो वो कोनो नहीं देखे, ना चोरी करे डर रहा है, ना काकरो पॉकेट मारे डर रहा है, ना बेईमानी करे बट डर रहा है, कहीं चीज पर डर नहीं लागे वाला। ये लोभ के काम है, लोभ के काम मने जत्ता आ जातीस मोर करा, जत्ता आ जातीस ये मोर हो जातीस, वो मोर हो जातीस, ये मोर हो जातीस, बस मैं मोर तोड़ते माया। और जब मोह हो गए तब मोह सकली व्याधि निकारे मूला, और तीन ते पुणे उपजत बहुबूला, तामे पाती कपिलोगी अपारा, और क्रोध पीत निति छाती जारा, अप्रीत करहू जो तीना उभाई, असन्नी पात महा दुखदाई। ये मोह के कमाल है, हाँ ये मोह के कमाल है। जेकर जिंदगी में कोनो मोह हो गए ना तो फिर जन भैया, हाँ ये काम क्रोध लोभ के एकर पूर्ति नहीं होए। हाँ बोला मोह हो जाते, अब मोह, अब मोह में ऐसे हो जाते कि मोह काय मानस रोग के बीमारी है, मोह ये मनखे के बीमारी है, हाँ वज्र बीमारी है। कोई तीनों जन संघर गे ना, काम क्रोध लोभ ये तीनों जन कोनो संघर गे ना तो शनिपात की बीमारी आ गए, और शनिपात की बीमारी हुई तो मर नता है वो लखन श्री रामचंद्र की जय। अब ये शनिपात की बीमारी रावण ला लग गए है, हौ ये शनिपात की बीमारी लग गए है रावण ला, तब कहा थे कि ये नदियल बांडरी, तब सोचिस मंदोदरी कथे पति देव स्वामी ते मल्ला बनवासी 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 के है, बांधित ते मल्ला बेंद्रा 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 के है, लंका मागी लगाई तेल बेंद्रा 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 के है, कई प्रकार के सब लोग इसने कहीं टार देते हैं, लेकिन तोर मन में कतका अहंकार है, तेल ला पहली देख। हाँ अहंकार के धूरी बहुत वजन होते मोर संगवारी। हाँ ऐसे किसान है दस बोरा धान ला भर के गाड़ी बैला में जात रहा है मंडी, अब मंडी जात रहे थे एक जन कुकुर रहे थे पाछू पाछू लुहम लुहम दौड़त दौड़त गाड़ी भीतरी घुसर के रेंगत रहे हो, तब कुकुर का कहा ते का तीर बेर बैला ए दस बोरा धान ला मैं तीरत हूँ, ऐसे कहा कौन है कुकुर है, कुकुर है कहा है ए दस बोरा धान ला ते का तीर बेर बैला, अरे मैं तीरत हूँ ये दस बोरा धान ला। अब चढ़ाऊ का नंबर है इस दी भैया हो, चढ़ाई का नंबर इतनी दीदी हो, तब कथे जे गाड़ी में बैठे रहे थे बड़े जान कोड़ा धर रहा है बैला बने सलाह है मारी हो तो रब ले चढ़ाई ऐसे चढ़ाऊ ऐसे के जब कोड़ा लुबा सरपट ले मारी ना तो पीछू डाल ला परिस कुकुर के, बोल लखन के राम कुकुर के पिछवाड़ा परिस काय 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 करत करत बैठ गए, अब बैला सटरंग ले चढ़ा दो डिपरा ला और वो पार चल दिस। तब जब एक कंसान तो इसको कुर्ता कथे मिही तीरथ हूँ कहा रे हूँ गाड़ी रे, अरे मैं तीरथ हूँ नहीं दादा वो बैला तीरथ है, ये अहंकार है। तो जीवन में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, एक घर ल मैं चला तू, अरे ते नहीं चला यार ते का घर ल चला बे, ते घर ल चला डर बे, ए परिवार ल मैं चला तू ते का चला था यार ते परिवार ल चला डर बे, कोई नहीं चला सके भैया, ये तो चलत रहते गाड़ी चलत रहते कोई चलाए नहीं, और जेन हा कोई कही दिस ना मैं चला दू की ना तो वही पहली मार थे, बोल लखन से रामचंद्र की जय। जेना मैं चला दू मैं ऐसे करत हूँ ऐसे कथे ना यही पहली मार थे। हाँ रावण ला खाली मैं ऐसा करता हूँ मैं ऐसा करता हूँ बस यही बात।
तब ये नदिया जब बंद है तो दूत है जाग कथे मंदोदरी दोनों बैठे रहे रावण है और कथे महाराज ये नदिया बंधा गे महाराज नदिया बंधा गे रही ईमान से सिर तो बांडर रे हाँ बांडर महाराज करम काट गिरी ते नदियाक बंधैया मंदोदरी कथे अतक पर समुद्र बांधित ले इसने ते इसने आदमी समझ लेते हैं वो है अभी तक के तो समझ में नहीं आए अभी तक के तो समझ में नहीं आई अरे कई जन 14 जन आदमी तो 17 बेर समझा डरिस वो शीतल वापिस कर दे और भगवान कर जा को कर चरण में गिर जा तो लभाई कर दी की काकरो बात ना नहीं माने और जेकर जीवन में अहंकार है तो काकरो बात का मानने वाला नहीं है भैया तब अरे निजे बिकलता बिचारी बकोरी अब यहां से गए गृह करी भय भूल क्षणिक मात्र के लिए रावण ला भय हो गए ध्यान दिया क्षणिक मात्र के लिए रावण ला भय हो गए लेकिन रावण ला भय हो लेकिन रावण भय करने वाला नहीं है निर्भय होने वाला है निर्भय हाँ भय ला तो कोसों दूर छोड़ देते जी हाँ तब कथे मंदोदरी हा ते सहज मत समझ सहज मत समझ अतक पर समुद्र बांधित तेल ते सहज समझत है मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो अब कही अयोधी बंधाय ते जिला सस्ता समझत है महाराज ते सस्ता नो है हाँ वो सस्ता नो है भाई जिला ते सस्ता समझत है हाँ नहीं ते हाँ तोर संगवारी मारी से तेकर बारे में पहले सोच ले तोर संगवारी कौन है बाली है नहीं और तोर ओकर झगड़ा हुई तो 6 महीना काख में तोला दबारी सूता है ते ना साल मार दी सो है तो नान मुन आदमी है वहाँ है छोटे मोटे आदमी नो है वहाँ तारनहार जगदाधार अखिल ब्रह्मांड के नायक सकल चराचर के स्वामी हाँ वो हरे जेन हाँ आज नर्तन में अवतार लेके आए है नर लीला करे बरा है नर लीला करत है आज तेला साधारण मत समझ भगवान आज देवता मन देखे बर लगी जब समुद्र ला बांधी ना तो देवता मन खुश हो गए एकर पीछे का राज है समुद्र बांधे के पीछे एकर पीछे ये राज है कि भगवान राम के कहना है एकता अखंडता संस्कार और संस्कृति अगर भारत और लंका जुड़ जाए मने भगवान जोड़ना जानते भगवान हाँ तोड़ना नहीं जाने मोर भैया हो भगवान हाँ जोड़े भर जाते अगर कोई प्रकार से अगर रावण मोर से जुड़ जाए तो ओकरो कल्याण हो जाए ये सोच है ओकर लेकिन रावण के सोच उतना नहीं है रावण के सोच उतना नहीं है भारत और लंका ला जोड़ना चाहते कौन हाँ राम हाँ लेकिन वो नहीं जोड़ना चाहते वो जुड़ना नहीं चाहते बस यही बात है तो कहे के मतलब मंदोदरी के इला ते सहज में मत ले महाराज इला सहज में मत ले अरे कह गई पतही हवन निज आनी अभूली परम मनोहर बानी जिला साधारण में इनके समझत सतना महाराज वो साधारण मानव नो है आज के मानव थोड़े भैया नरियोनी में जन्म लिया नर कर्मों का करना सीखो अरे दुखियों को मत मारो पहले दुखिया पर खुद मरना सीखो अरे जिनसे संसार में मान मिले पला उनका धरना सीखो भव सागर पार अपार महा कुछ धर्म करो तरना सीखो धर्म के रास्ता में लाए बर भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेके आ गए ध्यान दियो भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक मनुष्य रूप में अवतार लेके आ गए अगर कोई मनु औसत रूपा वरदान में नहीं मांगे रतीस तो आज राजा दशरथ और कौशल्या नहीं होतीस राजा दशरथ कौशल्या नहीं होती तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं होतीस और वो नहीं होती तो तुलसीदास नहीं होती तुलसीदास नहीं होती तो रामायण नहीं होती और रामायण नहीं होती तो तुम नहीं होते ना हम नहीं होते बोल लखन से रामचंद्र की जय हाँ
सोच के देखो बना आ धर्म ला बचाए बर निश्चर ही निकराम ही अरे भुजे उठाए प्रण किन और सकल मुनि के आश्रम ही अरे जाई जाई सुख दिन। आज भगवान प्रतिज्ञा करी से धरती माँ इंतजार कर समय लावन दे और जब समय आही तो मैं नर रूप में अवतार लेके आऊं और पूरा धरती भार ल उतारूं। सिंधा कांड के दोहा क्रमांक दोल देखन भला जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार औके तुम अखिल भुवन पति और लीन मनुजे अवतार। कावर जन्म धरे से पुष्टि हो गए ना मनुष्य रूप में है? जग कारण जग के कारण जग कारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भवन पति लीन मनुजे अवतार। ये सब बात स्पष्ट हो गई। बोल लखन श्री राम ऐसा लगलो ते माने पर तैयार नहीं है तो तोड़ ले अधर्मी कोनो नहीं है दुनिया। हे मंदोदरी मेरे को अधर्मी कहता है मैं तोड़ ते हाथ पांव जोड़ा तो महाराज ये शीतल वापिस कर दे। बस मैं अति कहा था ये शीतल ते वापिस कर दे और शरण में जा दिया भाई हो जब महाराज। तब रावण क्या कहता है सुनो अगर सीता को स्त्री बनाना होता रे मदोदरी तो तेरी तरह राजमहल में रखता अन्यथा अशोक वृक्ष के नीचे नहीं रखता। क्या बात ये रावण के पावर न देख के मंदोदरी डर ला गया। हाँ तब कही मुर स्वामी तोरे पैयाला परो तोरी सेवाला करो चरण के दास बना ले ओ हे महाराज। मैं तो बार बार कहा था मैं तो रणधांगनी हो के नाते कहा था कि एक बार मोर बात ल मान जा भैया। मल्ला पूछो माई लोगन के बात ना मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए जी है? माई लोगन मन के बात ना मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए एको जन मानना चाहिए ना ठीक है। आओ दाई मल्ला पूछो तो बाबू जात मन के बात ना मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए वो मानना चाहिए वो तुहर नियम है एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पदर प्रेमा एकर से ऊपर रहा नहीं है तुहर करा तू मल्ला माने चल पर ही लेकिन तू जाने इधर बात रहे मानस में जे माई लोगन के बात में नहीं मानिस यार। आओ कौन कौन एक जन बाली और दूसरा रावण। हाँ बाली नी मारी नी मानी तेकर से ती मर गए सुग्रीव हो बार बार ललकारत रे सुग्रीव दांत फटकार करके भेज दे हैं। और जब ललकारे शुरू करी जब भगवान ओला मिल गए जब ओला जीव से ब्रह्म से जब जीव मिल गए तब ओला फुल पावर हो गए और जब उकर पावर बढ़ी तो ललकारी सरे बाली आ मेरे सामने लड़ाई करो मेरे से तारा बार बार कथे ये अपन पावर में नहीं ललकारत मालिक ये अपन पावर में नहीं ललकारत है एकर पावर एकदम से वह 100 वोल्टेज के पावर होकर कर हावे। हाँ 100% पावर है ते में ललकारत है कि भगवान कथे ते चिंता मत कर सुग्रीव सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ अरे बाल ये कही बात ब्रह्म रुद्र शरणागत हूँ अरे गए नही प्राण एक बाण में नहीं बाचे थे चल ललकार बे की। हाँ अब हो इसका तारा बार बार के हे मालिक हे स्वामीनाथ आज मोर आंखी फरकत हो आज मोर भुजा फरकत है आज तुम लड़ाई झन जाओ अरे बाली को कोई ललकारे और बाली घर में बैठा रहे ऐसा नहीं हो सकता मैं लड़ाई में जाऊंगा जा आज कर में अब निमान ही था जिस मर्ग
मर गया बाली है रावण ला गलो बार बार समझाई मंदोदरी है मज्जा मालिक मज्जा मालिक मज्जा मालिक अंतिम में खैच सरा संसवन लगी छाड़े सर एक तीर हाँ रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस हाँ कहाँ राम मैं हथों पचारी मर गया राम तो बार बार मंदोदरी समझावत अवका समझाती छोटकुन भजन के तत्पश्चात पर लखने सियारामे चंद्र की जय हो रे हो हो रे हो तो सुंदर काया ना तो
सुंदर काया हर बिना तर सहे हो लखनी सियारामी चंद्र की जय। मंदोदरी हा दोनों हाथ ल जोड़ के कहिस जे नारी मन के बात ल नहीं माने तेकर ऐसे दशा होइस और जे नारी मन के बात ल मानिस ते हा वो कौन पात्र है नारी के बात ल राजा दशरथ मानिस और दूसरा मानिस कौन तुलसीदास तुलसीदास जी मानी तुलसीदास महाराज लकीर महाराज अत्ता झर 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 पानी गिरत महाराज आठ पट पूरा है महाराज मुर्दल दे डोंगाई जी का आगे महाराज वहां लाए था मोर महल में सांप लटकट नहीं तेला चढ़ के ते मोर महल में आगे महाराज अरे धिक्कार है तोर जैसे पुरुष लकी सो हाँ तोर जैसे आदमी धिक्कार है हाँ अरे लाज ने आवत आपको अरे दौरे आया हो साथ अरे धिक धिक ऐसे प्रेम को अरे कहां कहूं मैं नाथ अरे धिकार है ऐसा पौरुष न तोर की ते अपन आप लोग होशियार समझा था नंदियाल नाहक के आगे कहा था अतक जान सांप ल धर के चढ़ के बड़ा होशियार समझ गए थे लेकिन धिक्कार है ये हाड़ और चाम में जत का प्रेम करके ते आधा रात के समय आसना अरे धिक्कार है तोर जैसे पुरोसला अगर आपकी प्रेम ते कहूँ राम से करते प्रेम कर लो राम से भाव सागर तर जाबेगा प्रेम कर लो राम से अरे भाव सागर तर जाबेगा ये दुनिया के नहीं है ठिकाना बारो बार वो जाबेगा अरे ये दुनिया के नहीं है ठिकाना बारो बार हो जाबेगा तुलसीदास के कुंडली खुल गए मोर संगवारी हो अब आज देखा माय लोगन के बात न मान के आ तुलसी है तुलसीदास बन गए दूसरा राजा दशरथ राजा दशरथ के एको जन बेटा नहीं रही से एको जन बेटा नहीं रही से ना तब ओकर तीनों जन रानी मल्ला बोले तीनों जन रानी मल्ला बोले कौन कौन ला कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जिला ये रामायण के भाषा में का कहे जाए ज्ञान क्रिया और उपासना ये तीन ठन ये तीनों नारी जेकर पास है ते बहुत आबाद है मोर भाई हो और तीन नारी काकर काकर करे ते बताओ भला तीन नारी और काकर काकर करे तुम्हार करे नहीं का भैया हो तीन नारी जेकर तीन जन नारी हो ते मन हाथ उठा दो नहीं है जी एको जन के बुढ़ेना वाला मन के एको जन के तीन जन महिलोगन नहीं है भैया
हमार मन के है तीन जन और तुहरो मन के है यार कैसे तीन जन नारी बिना आदमी जिए जी नहीं सके। हाँ जेला कथे का पीत और बात है तीन जन नारी है। हाँ जेला शास्त्र के भाषा में इंगला पिंगला सुसमना कथे यार। हाँ अगर कप के बीमारी हो गए तब हो मर जाबे पीत के बीमारी हो गए तब हो मर जाबे। हाँ अब बात के बीमारी हो गए तब हो मर गए बात के बीमारी में राजा दशरथ मर गए। राम राम कही राम कही राम कही अरु राम तन परिहरी रघुबर बिरह रहु गयो सुर धाम। मर गए बात के बीमारी में तब तीन ठन नारी सब करे है तुम्हार मन कर नहीं दई तुम चुप्पे बैठे था मतलब पोगरी छोड़ दे कहा थोई। हां तुहरो मन कर तीन जन नारी है ये तीन जन नारी इंगला पिंगला सुसमना सब करा है मुर्दाई हो ये तीनों नारी में आदमी जिंदा है और तीन नारी में कोई एक नारी कोई बिगड़ गए कई कई बिगड़ गए तो अयोध्या बिगड़ गए। अयोध्या का बिगड़ी राजा दशरथ मर गए राजा दशरथ का मर गए राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष में वनवास हो गए राजा दशरथ के मरण हो गए देख कतका बिगड़ गए। एक ठन बिगड़ी ते में एक नारी बिगड़ी से ना एक नारी बिगड़ी से कह कही है सुनहु प्राण पति भावत जी का देहु एक बार भरते टीका दूसर भर मांगाओ कर जोरी पूर्व नाग मनोरथ नोरी दापत भेद विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी सबो तिड़ी बिड़ी हो गए सब सारी आ गए कोनो अयोध्या में रहक लायक नहीं हुई तो मोर के एक मतलब है मंदोदरी समझा दे मान जतिस नहीं यार मानना चाहिए नहीं तो नहीं मानी रावण है तब हाथ जोड़ के कहे वर लगी चरण नाई सिरु अंचल रो पा सुनहु वचन प्रिय परिहरी को पा। मंदोदरी जब ओला समझावत थे रावण ला तो मंदोदरी का कथे जानथस ते मोला सिखोबे रे ऐसने हमरो भैया मन कथे ना कहूं गोठिया देवे नहीं ए देले इसे कर लेते हो इसे के कर ते मोला सिखोबे रे मोर लाने हैं ऐसे कथे नहीं तो इसने मंदोदरी का ते मोला सिखोबे माई लोगन के जात होके चार बे छह सात अठारह पुराण नौ व्याकरण अतका ज्ञाताओं में हा तब अंगद महाराज एक गांव केहरी से ते अतका ज्ञाता तब होते गदहल कम नहीं है केहरी सुला रावण ला। हाँ ये प्रसंग में है ये पार भाई। हाँ वो कहते गदहल कम नहीं है के अंगद महाराज तब कथे मेरे को गधा कहता है रे बानर मेरे को गधा कहता है। हाँ महाराज ते गदहल कम नहीं है कैसे गधा हूं गधा ला बोड़ेना गांव में ले आनो बढ़िया गंगा जल में ओला स्नान करा दो और अच्छा लिरिन साबुन में अच्छा धो धो नहा दे ओला और मलयालम चंदन लगा दे ओला और सादा सादा पहना दे ओला गधा ला है ना और ओकर पीठ में चार बे छह सात अठारह पुराण नव व्याकरण ला दे बोड़ेना के गली गली घुमा ओला गधा कही पंडित कही जी का कही दीदी हो अतका सरल बता दू तिहा नहीं जाना वो एला तुम जानत हो तुम्हार गांव बात है ये बोलेना गांव में चार बे छह सात अठारह पुराण नव व्याकरण ला गधा पीठ में लाद दिस और गली गली घुमाई तब ला गधा कही पंडित कही वो अतकी जल पूछे गधा गधा रहेगा है नी तो तोर कर चार बे छह सात अठारह पुराने अब बाकरन तोर ऊपर है तब बोलते गधाल का कम हंस की बोल लखन से रामचंद्र की जय मोर के एक भाव ही है मन में नहीं कहा तो है अंगद के गधाल तब कथे दुनिया भर समझे महाराज लेकिन ते काकरो बात ना नहीं माना तो मैं तोर अर्धांगनिया ते मोर बात ना मान जा महाराज की नाथे बायरो की जयता ही तो। अरे ओकर से बैर मत कर महाराज ओकर से ते बैर मत कर महाराज। हाँ ओकर से जे बैर करते ते उबरे नहीं की नाथ बयरु की जय काही तो अरे विधि बल सकस की जाही तो ओकर से बल में बुद्धि में
कोई प्रकार से ते बड़े नहीं है महाराज। हाँ यहाँ तक के एक भिकुटी भिकुटी बिलासा, अरे एक गांव भगवान के भिकुटी को तो परले आ जाते। हाँ एक गांव भगवान के कोई भिकुटी बने आखी ये कोई ऐसे घूम के परले आ जाते। तेकर संति बैर मत कर नाथ बैरु की जेताही सो, अरे बुद्धि बल सकई जीती जाही सो। तो महिया रघुपति अंतरिके सा, अरे खलुख द्योता अरे दिन करही जैसा। केस महाराज वो सूर्य ने देखा था, वो सूर्य है, वो सूर्य है और ते जुगनू हस हाँ, वो सूर्य है और सूर्य के सामने ते नहीं टिक सकस महाराज। हाँ सूर्य के सामने कोनो टिक जाई जी नहीं टिकन सके भैया, काबर सूर्य में अतका ताप रथे अतका अग्नि रथे है ना, जैसे संपत्ति है जटायु, संपत्ति है जटायु में इसने घोड़ हो गए, इसने घोड़ हुई तो चल रहे सूर्य नारायण ला छुए जाबो रहे इसे की, और सूर्य नारायण ला छुए वर्गीस तो संपत्ति रहा, संपत्ति बड़े संपत्ति कथे वाह ही नहीं छुआ सब बोरे लैका लैका जात वो समय वो गीस तब जाके तीरे चल दी सबो जर गए जर जर ले जाको कंदरम बैठी पे उठ नहीं सकी। तब कथे जटायु मैं नहीं जाऊं दादा, हम मुला जीना है तोला मरना है जाके। हाँ तब केस तेरा ओकरे बरोबर सूर्य के सामने जुगनू बरोबर तो है केस। हाँ दिनकर माने सूर्य, सूर्य के सामने तो कथे नहीं का कत को जान कथे, अरे सूरज के सामने दीपक दिखाए बरोबर भैया है। हाँ मन दिया वो सूरज है बार बार समझे मंदोदरी यहाँ तक के समझे। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सत चित महान, अरे ऐसा ऐसा बात समझा है मंदोदरी है तो रावण के पल्ला पड़ने वाला नहीं है भैया। तब किस तुम्हा ही रघुपति अंदर कैसा, तब किस रावण कथे मोर में अब ओकर में का अंतर है मंदोदरी तेला बता ऐसे की, तो ओकर में अब मोर में का अंतर है तब लिखित तुम ही रघुपति अंतर कैसा, मैंने ते अपन आप ला भगवान मान ले अब वो साक्षात भगवान ही अंतर अति छे की। बोल कैसे रामचंद्र की जय, ते अपन आप ला भगवान मान ले अब वो हज भगवान ते अपन आप ला छोटे बना ली थी अंतर अति छे की। अब कहीं नहीं है कि अब लिखिन अरे खलुख दोत अरे दिन कर जैसा, अब वही फर्क है बस वही बात है सूर्य सामने दीपक दिखाना अत की चंतर है तोर वो कर में के। हाँ वो सूर्य है की ते जुगनू आज की अत कुम नहीं समझती जी है नहीं दीदी उत कुम समझ जाना चाहिए नहीं समझी ना उत कुम समझ जाना चाहिए भाई। जब माई लोगों ने अतका बिचारी रो रो समझावा थे हाथ जोड़ के पांव पर के समझावा थे मान जाना चाहिए, अरे माने पर तैयार नहीं है बड़ा विचित्र बात है रावण के काम गलो माने पर तैयार नहीं है। तब लिखिन भैया अरे अति बल मधु आओ कहा थे दे आओ उदाहरण दे थे अति बल मधु कटप जहि मारे, अब महावीर दिति सुत संहारे आओ जहा मधु का टपल मारी ते कौन है जान थस है ए सीता हरे ए सीता हरे। हाँ मधु का टपल मारी ते ना तेला ते कमजोर मत समझ महाराज जेकर भाई ते हरण करके लाने हैं एला ते लेक जा ओकर शरण में जा और ते हैं ओला कही दे
कि हे भगवान मोर से गलती हो गई, तो नारी तेरक भैया ऐसे का तोरा अभय कर दी। नी मानी, अब नी माने नहीं तेकर तो मरना तय है। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। हाँ तब लेकिन गोसाई जी महाराज जेहि बल बांधी सहज भूत मारा, अरे सोया तरे हूँ हरण मही भारा। यह धरती के भार हरण करे बरा है। ये मना कौन कौन है, ये जे दू जन घूमत तेला खाली तेहा बनवासी 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 कहा था। तब तो किस जग तारण कारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनुज अवतार। और शेष ओकर संग में ते कोने जान था शेष सहस्र शीश जग कारण, और सो अवतारे हूँ भूमि भय तारण की। जैसे वो धरती बोए है, ये धरती ते खड़े है, वो धरती ओकर भाई बोए है। हाँ, वो धरती रोकर भाई को है, तेकर संते सज्जबे अतका समझात हो तब तो समझ में नहीं आते, नहीं आते। आवे तुम भजन सुनते फिर आगे कथन विस्तार देवो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। ज्ञानी रे ज्ञानी मन करे गुणगान, तुलसी घरो सबो बरोबर लाई नवर बिहान। तोरे चेहरा आखी मां झूलते रही थिरा, हाय राम तोरे चेहरा आखी मां झूलते रही थिरा। के चलन बाबा के आगे रा
चेहरा आखी माँ सुलते रहेगा लखने सियारानी चंद्र की जय। मंदोदरी हा समझाइत रावण ला एक महाराज अतक बड़ बड़ बलवान मल्ला मार डरी तेला ऐसने आदमी मत समझ महाराज। अरे मान जाओ पति देव माने पर तैयारे नहीं है फिर के सुन की फिर हाँ। अरे तासु विरोध न की जय नाथ काल करमा जीव जाके हाथ। आज जेकर जे श्वास भी लेवत हन तहु रामे जे देखा थन तहु रामे जे रेगा थन तहु रामे ए हाथ में ताकत बता थन ना यहू रामे ये सिर हा घलो रामे ए आखी घलो रामे नाक हा घलो रामे मुंह घलो रामे दांत हा घलो रामे। राम कोई दूसरा नहीं है ये दो अक्षर से बने ये शरीर ओ रामे ते वकर से बैर मत कर तू मला विश्वास नहीं है ते चुंदी शुरू करो गिने के ये चुंदी दो अक्षर के ए मात है ना दो अक्षर के ओकर बाद आखी दो अक्षर के ओकर बाद नाक दो अक्षर के ओकर बाद ऊंट दो अक्षर के ए गाल दो अक्षर के ओकर बाद दांत दो अक्षर के ओकर बाद टोटा मा जाओ टोटा घलो दो अक्षर के ओकर बाद छाती मा जाओ दुए अक्षर के भुजा मा जाओ दुए अक्षर के हाथ में आ जाओ दुए अक्षर के पेट में आ जाओ दुए अक्षर के गोड़ में आ जाओ दुए अक्षर के एको एको ठन तीन अक्षर में सब दो अक्षर है और दो अक्षर जे सिर जे इच्छ रामे बोल लखन से रामचंद्र की जय। ये सब हरे राम अनंत अनंत गुण अरे अमित कथा विस्तारी। राम अनंत महाराज एकर कोई अंत नहीं है महाराज ये अनंत है हाँ। बस तोला जानना है जे जान ही ते ही देह जनाही अरे जाना ही तुम्हारी होई जाई। अरे भगवान ला जे जानते ते जानते भगवान ला कौन कौन जानिस भगवान ला कौन जानिस वो तुमन तो जाना थो ना वो तुमन जानते नहीं दीदी हो ये हमारे दीदी मन जानते भगवान कौन है तेला तुमन जानते नहीं भैया
भगवान को ने तेला हाँ भगवान ला कौन कौन जानीस ऐसे कौन पात्र है जनैया है सबले पहली कौन जानीस भगवान ला केवट महाराज जानीस भगवान ला हाँ कि भगवान है गंगा घाट में और गंगा घाट में नहीं तब कथे मांगी न नावन अरे केवट आना कहे तुम्हारे परम मैं जाना भगवान कथे आज ले मोर मरम ला जानने वाला कोई नहीं हो लेकिन आज जे मोर मरम ला जानीस ती मोर असली भक्त है आज मैं राम राज के प्रथम नागरिक घोषित करत हूँ कि बोल सियापति रामचंद्र की जय। एक केवट महाराज जानी और दूसरा कौन जानी दूसरा जानी जनक जी महाराज जानी जनक जी महाराज कैसे जानी सोला केत भैया ये धनुष पर प्रतिज्ञा करी से ये धनुष ला उठा दी प्रत्यंचा चढ़ा दी तब मोर बेटी है ओकर गलम जयमाला डाली ओकर सन विवाह हो जाई केरी से हाँ जतका इहा राजा रीते में सब जन उठाइस काकरो से नहीं उठाइस त इही राम हा जा को धनुष ल टोरिस वो तुमन तो गेरे हो का देखे भरो जनकपुरी गेरे हो नी हां इमन गेरी जनकपुरी तहु मन गेरे हो काजी हां जनकपुरी तहु मन गेरे हो जनकपुर में गीत ना तब हो जानी अरे जानहु जपहु रामे प्रताप अरे राम के प्रताप न जानी तो सबे अरे धनुष न उठा देते मामूली आदमी नो है दुख उठा कर देते मामूली आदमी नो है हाँ सोच के देखो भला वो मामूली आदमी है उहिल किस रामायण नंतन गुण अमित कथा विस्तार हाँ जे भी की जा नहीं रे रघुपति ही है ना भगवान ला जे जानी तेकरे हुई जे जान डरी तेकरे हुई सबरी माता जानी कंद मूल फल सुरसयती दिए राम पहियानी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी आहा सबरी माता इंतजार करत रह दाई गो ओकर गुरु महाराज कह रही थे अरे राम एक दिन ना ही सबरी मैं भला मर गये लेकिन मोर बात अटल है ओला आना पड़ी तोला आना पड़ेगी राम तोला आना पड़ेगी अरे सबरी माता कहित तोला आना पड़ेगी राम तोला आना पड़ेगी अरे आज नहीं तो काली तोला सुबह नहीं तो शाम तोला अरे आना पड़ेगी राम तोला आना पड़ेगी तोला आना पड़ेगी राम तोला आना पड़ेगी मोरे गरीब के कुटिया मराम तोला आना पड़ेगी राम आगे भगवान है और जब भगवान है तो कहे सबरी का चाही मांग ले तो कहे मोला कही नहीं चाहिए महाराज मोला का चाहिए बस तोर हाथ से मोर चीता जला दी बस और कुछ नहीं चाहिए कि ए दे जल गए हमरो हा हमरो जल गए पिवरा गए हमरो जाय फिर हो गया ई बात ला मंदोदरी समझाते अरे भगवान ले जे जानी ते जानी जी भगवान ला सब बुझ नहीं जानी हाँ माता कौशल्या जानी माता कैकेयी जानी लेकिन दशरथ नहीं जानी ये मोर बेटा राम है हाँ हाय बेटा कहिक मन हाँ तब जे जानते ती जानते भगवान ला मंदोदरी कहा था रावण ला मान्य महाराज नान मुन भगवान नो है औ कही राम ही सौंप ही जानकी राम कर जा के सौंप दे जानकी ला और ना ही कमल पद मात और ओकर चरण कमल में गिर जा मात ना ना वाले और सुत कहु राज समर्पी बन और हमन हा हमार राजपाट लंकल हमार बेटा बहु मन ला दे देबो और हम मन चल देबो वनवास तपस्या करे बर ऐसे बात रावण ला कहा थे सुने आओ ही कर कथा लंबी राम ने था और सुंदर एक भजन के तत्पश्चात आपसे सादर विदा लेते बोलो हाँ अभी शंकर भगवान की अभी कथा चलत है शिव कथा है नहीं वो महाराज के कौन कौन सुन तो
महाराज के शिव पुराण ला कौन कौन सुन तो प्रदीप काजी हाँ प्रदीप मिश्रा के एक लोटा जल और सारी समस्या के हल है तकाओ मंदोदरी है शंकर भगवान ने जल नहीं चढ़ाती कोई ओकर तो गुरु हरे का भगवान शंकर में वो रावण हा कोई एक लोटा जल नहीं चढ़ाती सोही अरे चढ़ाती सोही लेकिन वो माने भर नहीं बस सब कुछ कर्म करे लेकिन माने भर तैयार नहीं रहे रावण हा एकर स्थिति एक लोटा जल और सारी समस्या के हल अब आगे भजन सुनो और भगवान शंकर में बेल पान चढ़ाओ और सुंदर जल ला चढ़ा के ऐसे प्रसाद ला पाओ और सबको बीमारी के जड़ दूर हो जाए बोल शंकर भगवान की आगे भजन लखने सियारा में चंद्र की जय ये कहां पावे ना हाय राम भक्ति के बजाया रा ये सुने आवे सुने लाया हाय रामायण सुने लाया बिना भक्ति के बजाया ही ना चलो ताई दीदी हो दोनों हाथ उठा लो चलो तो बस रामचंद्र की जय कहां बैठे हो अभी और कावर बैठे हैं हैं सब जगह खा खाओ नहीं अभी हम तो वहां 4 बजे का चलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के रामायण सुनी ना बिना रामायण सुनी ना बिना मतो आमिया ही ना मतो आमिया ही ना दिग्गी हाथ भर जाई ना कहां पावे 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 क
चाहिदा भक्ति के बजाया भक्ति के बजाया कहाँ बाबे 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 हरे राम रामायण सुनिला बिना रामायण सुनिला बिना ये कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे ना हरे राम भक्ति के मजाया नारा रामायण सुनिराया बिना बोल श्याम रामचंद्र की जय।